भारत एक ऐसा देश जहां का हर तीसरा व्यक्ति बैंकिंग से अनजान था, पर यह दृश्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण हमेशा के लिए बदल गया है। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। यह एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन को एकीकृत दृष्टिकोण से देश के सभी परिवारों तक पहुंचाना है। इस योजना की परिकल्पना का आधार यह है कि हर घर में एक बैंक खाता हो और बैंक मित्र बैंकिंग की सभी सुविधाओं के साथ प्रत्येक 5 से 7 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध हो। इसके अलावा लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, साथ ही 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक पहली बार बैंक में खाता खोलने पर 30,000 रुपए का जीवन बीमा और 6 महीने तक खाते के संतोषजनक परिचालन करने पर 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। स्वावलंबन पेंशन के अलावा यह परिकल्पना भी की गई है कि गरीबों के फायदे के लिए बनाई गई सरकार की सभी योजनाओं के लाभ की राशि बिना किसी की मध्यस्थता के उपलब्ध हो, जो सीधे उनके खाते में मिले, ताकि कोई भी बिचौलिया उसका गलत फायदा ना उठा पाए। इस योजना को साकार करने में हम अकेले नहीं थे, इसमें 1,23,000 बैंक मित्रों का हाथ है। जो कल्पना हमें थी कि अगले वर्ष 14 अगस्त तक हम लोग 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे, उनके प्रयास और उनके प्रेरणा के माध्यम से अब ये तय हुआ है कि 26 जनवरी 2015 तक उस संख्या को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब एक ही दिन में 1,04,000 कैंप बैंक में खाता खुलवाने के लिए लगे और 2 करोड़ लोगों ने पहले ही चरण में अपना खाता खुलवाया भी, और नामुमकिन सी लगने वाली इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। कि हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके, इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब मेरे गरीब के पास भी वो कार्ड होगा, वो भी अपना डेबिट करवाएगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलता से 100% खाते खोले जा चुके हैं। इस अभियान के तहत 11 करोड़ 50 लाख से भी अधिक खाते खोले गए, जिसमें लोगों ने कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा किए, 10 करोड़ से भी अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए, साथ ही 3 करोड़ 80 लाख से भी अधिक आधार नंबर खाते में दर्ज किए गए। यह एक छोटी सी शुरुआत है, यह सिलसिला आगे बढ़ता ही रहेगा। इसी के साथ ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए मंच तैयार है। यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है।